Good morning, sweet little kids. I wish for your good health and smile. Let's pray to God. All of you, join your hands for morning prayer. Today we will start our chapter number 20, our body, in which we will do from page number 122 to 125. Students, आज हम अपना नया chapter start करने जा रहे हैं, chapter number 20, our body. This is very interesting chapter. आज का chapter बहुत interesting है. हम इस chapter में पढ़ेंगे कि हमारी body कैसे बनी है, किस चीज की बनी होती है हमारी body में कौन-कौन से organs हैं. कौन-कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हैं और ये सभी सिस्टम्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एक्टिविटी गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 122. बेटा, आप अपना सारा काम आजकल कंप्यूटर पे कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं. कोरोना की वजह से हम घर पर हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारा ज़्यादातर समय कंप्यूटर पर या मोबाइल पर काम करते हुए निकलता है. और अगर हमें कहीं जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम किस पर जाते हैं? कार पर. आपको पता है कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है कार और कंप्यूटर में? यस, दोनों ही क्या हैं? मशीन हैं और दोनों के अलग अलग पार्ट्स हैं. आपको पता है हमारी बॉडी भी एक वंडरफुल मशीन है. कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी भी मशीन की तरह छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है और हर पार्ट का अपना एक काम होता है. ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें हम अब अपने चैप्टर में सीखेंगे. बेटा, दीज आर द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट वर्ड इज सेल, सी ई एल एल, सेल. सेल क्या होता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ अ बॉडी. एक बॉडी का स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट जो होता है उसे सेल कहते हैं. सेकंड वर्ड इज एक्सपेल, ई एक्स P-E-L, expel मतलब बाहर निकालना, give out. Third word is saliva, S-A-L-I-V-A, saliva. Saliva means stool, the liquid formed in our mouth. Fourth word is skeleton, S-K-E-L-E-T-O-N, skeleton. Skeleton means the framework of bones. ओके, तो बेटा आपको ये न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं एंड यू हैव टू लर्न देम आल्सो. बेटा, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है. आपके घर में बहुत सारी मशीन्स हैं, स्विंग मशीन, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी मशीनें हैं और ये छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन करके बनती है. ऐसे ही हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन सभी पार्ट्स को ज्वाइन करके हमारी बॉडी बनी हुई है.
हर बॉडी पार्ट का एक फंक्शन होता है और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या आप मुझे कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम बता सकते हो? यस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, टीथ, माउथ, फिंगर्स, हैंड, लेग्स, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं और हर बॉडी पार्ट का अपना एक काम है। आपको पता है हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है। बेटा, हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक मकान बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, ईंटों की जरूरत होती है, ईंटों से ही हाउस बनता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल। जब एक तरह की सेल्स इकट्ठी हो जाती है तो वो मिलकर बनाती है टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनती है? हमारी ये बॉडी। बेटा, हाउ डू वी कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस? हमें कैसे पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है? हमें ये जानने के लिए कौन हेल्प करता है? यस, हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं वो जो हमें ये जानने में हेल्प करते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है? वो है फाइव ऑर्गन्स। वो कौन कौन से फाइव ऑर्गन्स हैं? नंबर वन, आईज। हमारी आईज वो किस चीज में हेल्प करती है? आईज हेल्प अस टू सी। फिर हमारे ईयर्स, हमारे ईयर्स, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, सुनने में मदद करती है। फिर है हमारी नोज। हमारी नोज किस चीज में हेल्प करती है? नोज हेल्प्स अस टू स्मेल। फिर है टंग। टंग, टंग किस चीज के लिए हेल्प करती है? टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, टेस्ट में हेल्प करती है। फिर है हमारी स्किन। हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर है एंड स्किन हेल्प्स अस टू फील, ठीक है बेटा। तो ये जो ऑर्गन्स है हमारी, इनको हम कौन से ऑर्गन्स बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स। आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में क्लास टू में भी पढ़ा है ना। अब ये सेंस ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं? बेटा, ये सेंस ऑर्गन्स हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स हमारे ऑर्गन से मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन तक और फिर ब्रेन ऑर्डर देता है और उसके अकॉर्डिंग ये सभी ऑर्गन्स अपना अपना काम प्रॉपरली करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। देयर आर मेनी ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। दे वर्क टूगेदर टू मेक आवर बॉडी वर्क प्रॉपरली एंड कीप इट फिट एंड हेल्दी। ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम का एक अपना पर्टिकुलर वर्क होता है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको इन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में एक एक करके बताऊंगी, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम सिस्टम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो सिस्टम जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। हम सब सांस लेते हैं ना, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हम नोज यूज करते हैं, हमें पता है कि हम नोज से सांस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ नोज ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स और भी हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। और वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? नोज, विंडपाइप, लंग्स। दीज आर द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, विंडपाइप, लंग्स। अब ये प्रोसेस होता कैसे है बेटा? हम नोज से ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं ना अंदर सांस लेते हैं। अब वो नोज से कहाँ जाती है? विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप से होकर ये जाएगी लंग्स, क्योंकि हमारे विंड पाइप किससे जुड़ी हुई है? लंग्स के साथ। लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठी करके लाता है वो यहाँ पर छोड़ देता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से वापस कहाँ जाएगी? विंड पाइप में, और विंड पाइप से वो नोज के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम
वर्क करता है। अब मुझे एक बात बताइए, हमारी नोज में छोटी छोटी हेयर होती है, आपने कभी सोचा है क्यों होते हैं ये? बेटा ये हेयर हमारी एयर को क्लीन करते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं ना एयर, उसमें डस्ट होती है, जर्म्स होती है, उनको ट्रैक कर लेते हैं, उनको वो खींच लेते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर साफ एयर जाए। तो अब आपको पता चला कि हमारी नोज में छोटी छोटी हेयर क्यों होते हैं। अब हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम जो हमें खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बेटा हम खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन खाने से हमें एकदम एनर्जी नहीं मिलती डायरेक्टली। वो खाना पहले छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, उसका लिक्विड बनता है, उसके बाद वो खाना हमारी बॉडी की हर सेल में जाता है और वहाँ पर हमें खाने से एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम सारा दिन खेलते हैं और काम करते हैं। तो उस सिस्टम को जो इस सारे काम को कर रहा है, उस सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। सबसे पहले हम खाना कहाँ डालते हैं? हम अपने माउथ में डालते हैं। माउथ के अंदर क्या है? टीथ है। टीथ खाने को बाइट करते हैं, उसके बाद हम उस खाने को च्यू करते हैं और हमारे माउथ में एक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं सलाइवा। ये सलाइवा खाने के साथ मिक्स होकर उसको सॉफ्ट बनाता है ताकि हम उसको आसानी से स्वेलो कर सकें। वो खाना जो हम स्वेलो करते हैं वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे एक चक्की होती है ना आटे की, जहाँ पर हम गेहूँ डालते हैं वो किससे आटा बन जाता है, ऐसे ही हमारा स्टमक एक चलने मशीन है। जो खाना हम खाते हैं वो स्टमक में आकर ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में टूटता है, पिसता है वो अच्छी तरीके से, और कुछ पार्ट खाने का स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी खाना सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो ब्लड होता है वो इस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको बॉडी के हर सेल में पहुँचाता है, जहाँ पर खाने से हमें एनर्जी मिलती है। और जो खाना वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टिव होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से होकर वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। बेटा अभी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया, अब आपको क्या करना है, आपके घर में बिस्किट्स होते हैं ना, सब खाते हैं बिस्किट्स, आपने एक बिस्किट लेना है और उसको खाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। आगे बढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, दैट इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 125। आपने क्या करना है, अपने पापा की, मम्मी की या फैमिली में जो भी हैं उनकी लेफ्ट साइड पर चेस्ट के अपना ईयर रखना है। क्या आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है? यस, दैट इज द साउंड ऑफ हार्ट। बेटा हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड बॉडी के अंदर होलो ट्यूब्स के इनसाइड मूव करता है और उन होलो ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड की सप्लाई करता है। ये साथ में वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना होता है। ओके बेटा, आज हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, जैसे मशीन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनती है, ऐसे ही हमारे बॉडी भी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी है। उसके बाद हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट 3 सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रीद, हमें सांस लेने में जो हेल्प करता है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम।
फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। आफ्टर दैट वी रीड अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। रेस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ वी विल डू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओपन योर पेज नंबर 122। ह्यूमन बॉडी अ वंडरफुल मशीन। Our body is like a machine. It is made up of several parts, just as a machine. Each body part has its special function. Sometimes many body parts work together to perform a special function. Can you name a few body parts? Yes, eyes, ears, nose. Let us know what these body parts are made of. Our body is made up of tiny structures, just as a wall is made up of bricks. These tiny structures are called cells. There are different kinds of cells. Cells of similar types together form a tissue. Different types of tissues combine to make an organ. Many organs work together to form an organ system. Sense organs. How do you know about the world around you? You can see, hear, smell, taste, and feel by using different organs of your body called sense organs. Eyes, ears, skin, nose, and tongue are our five sense organs that help us to feel and do different actions. These sense organs are joined to the brain through nerves. They send messages to the brain through nerves, and the brain in turn sends messages through nerves to different organs of the body to work properly. Organ systems. There are many organ systems in our body. They function together to make our body work properly and keep it fit and healthy. Each organ system has a special function. Let us understand the different organ systems of our body. Respiratory system. We take in and expel air through respiratory system. हम respiratory system से सांस लेते और छोड़ते हैं. The main organs of the respiratory system are nose, windpipe, and lungs. The main function of this system is to take in oxygen through the nose from the surrounding air and give out carbon dioxide. The small hair inside the nose trap the dust particles from the air that comes in. From the nose, air goes into the windpipe. From the windpipe, it goes into the lungs. Inside the lungs, the blood takes up oxygen from the air and releases carbon dioxide brought from the cells into the lungs. We breathe out carbon dioxide through our nose. Next is digestive system. We eat food to get energy, but food does not give energy directly. The digestive system breaks down the food that we eat into a simpler form, which is used by the cells of the body. The digestive system is made up of the mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, and anus. The mouth has teeth to cut the food into small pieces and chew it properly. Saliva gets mixed with food in the mouth. From the mouth, the food reaches the stomach through the food pipe. In the stomach, many digestive juices get mixed with the food. They break food into a simpler form. Now, food in simpler form enters the small intestine, where it is digested completely. The useful substances from the digested food are absorbed into the blood, which are distributed to all the body parts through blood. The undigested food goes into the large intestine and leaves the body through the anus. Circulatory system. The heart, blood vessels, and blood make the circulatory system. The heart pumps blood to all the body parts. Blood moves in the body inside the hollow tubes called blood vessels. Blood vessels supply blood to all parts of the body.
Blood carries oxygen and digested food to all the body parts. It also carries the waste material from different parts of the body to be thrown out. Do you know, a grown-up person has 5 to 6 liters of blood in his body. A grown-up person ki body mein 5 to 6 liters of blood hota hai. Now, it's time for homework. Read page 122, 123, 124 and 125 of chapter 20. Write new words in notebook. Thank you. Meet you soon in the next video. Bye.